छोटकी प्रतिज्ञा आएगी। इसलिए ना हम सारे को अब सुधर गए हैं ना भैया, अब तक तो एक कैटो थी, अब दुदू हो जाएंगी है तो हमार गति बनाए देंगी। अब वैसे साला समाज में बहुत सज्जन सिंह भरे पड़े हैं। घर घर में सबकी पसंद बने ठाकुर सज्जन सिंह यानी अनुपम श्याम ओझा आज हमारे साथ साधन न्यूज के स्टूडियो में आए हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका साधन न्यूज में। धन्यवाद जी। जैसे तो अनुपम श्याम ओझा ये नाम शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, लेकिन ठाकुर सज्जन सिंह के नाम से आज पूरा देश आपको जानता है। और खासतौर पर बात करें जो घर में महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं, बहुत सीरियल आपका पसंद किया उन्होंने प्रतिज्ञा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो करियर की शुरुआत हुई वो कब से हुई? हम नाटक के चक्कर में निकले क्योंकि मेरे बाबा जो थे भागवत कथा कहा करते थे। अब वो भागवत बांटते थे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमको ये थिएटर मिल गया। अब थिएटर का रास्ता ढूंढ रहा था तो इसी दौरान हमको कई लोग मिले और उन्होंने कहा ये करो वो करो यहाँ जाओ। दिशा नहीं मिल रही थी क्योंकि आज के ज़माने में इस तरह से मीडिया नहीं था। उस ज़माने में सिर्फ हद से हद रेडियो हुआ करता था या फिर अखबार में दिनमान मैगजीन धर्म योग यही सब पढ़ा करते थे और इसी से अपनी भूख मिटाया करते थे या फिर ऑर्केस्ट्रा की कंपेयरिंग किया करते थे। हाई स्कूल पास किया मैंने तो मैंने सोचा कि नहीं थिएटर तो करना ज़रूरी है। थिएटर करने लगे, थिएटर का रास्ता ढूंढने लगे लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। अपने आप को उसी में समझने लगा कि नहीं मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मैं सब जीत लूँगा। और मैंने 6 साल पढ़ाई छोड़ दी लेकिन जब मैं थिएटर करते करते उसकी दिशा पाते पाते दिल्ली पहुँचा और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मंडी हाउस पहुँचा तो मैंने वहाँ की लाइब्रेरी देखी। जो लाइब्रेरी देखी तो मैं दंग रह गया। हमने कहा ये तो बहुत ही वृहद सब्जेक्ट है, बहुत पढ़ना पड़ता है और पंडित जी आप तो सिर्फ हाई स्कूल पास हो लिहाजा तुम्हें अपनी शिक्षा पूरी करनी होगी। और मैंने कहा कि अब तो ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया जी। ग्रेजुएशन करते हुए मैंने फिर जाके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कई बार ट्राई किया मुझे एडमिशन मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन वहाँ शोर सिफारिश बड़े बड़े लोगों की चलती थी, अपना कोई था नहीं, ना मुझे कोई जानता था। लगा रहा लेकिन रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, तो असफलता को मैं प्यार करने लगा और ये असफलता जो है मुझे जाके एक मार्ग देगी, एक दिशा देगी। और मैं पहुंचा भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ जी 83। मैं 83 तक भटकता रहा, ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन लास्ट में जाके हमको भारतीय नाट्य अकादमी मिला। तो मैंने 2 साल वहाँ जम के पढ़ाई की, वो पढ़ाई की लेकिन वहाँ भी भाग्य ने साथ नहीं दिया। हमारे डायरेक्टर ने कहा मैं तुमको डिप्लोमा नहीं दूंगा, हमने कहा नमस्ते, वो भी छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैं निकला दिल्ली, दिल्ली श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर में मैं आया। यहाँ मुझे एडमिशन मिला और मैं यहाँ नाटक करने लगा। राजेंद्र नाथ जी जैसे डायरेक्टर थे और भी हबीब तनवीर जैसे डायरेक्टर थे तो मुझे उनके साथ काम करने का मौका लगा। अब इनके साथ काम करते करते तो भी मेरी क्षुधा जो थी वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए अभी भी जागृत थी जी। मैंने कहा नहीं एडमिशन तो वहाँ पे लेना है और जब तक मैं वहाँ एडमिशन लेने की सोचूं मेरी उम्र निकल गई। अब सोचिए किसी की उम्र निकल जाए तो वो क्या करेगा। तो वो भी असफलता मैंने अपने गले लगाई और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में चला गया। तो रंगमंडल में भी नाटक करने का मौका लगा और मैंने वहाँ इब्राहिम अलकाजी साहब से लेकर के बीवी कारंत, रतन थियाम, एच कन्हैयालाल, हबीब तनवीर, फ्रिट्ज बेनिविट, रोडनी मैरियट, न जाने कितने विदेशी डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया और पंडित सत्यदेव दुबे इनके साथ मैंने काम किया। तो थोड़ा सा मैं जहनी तौर पर पुख्ता हुआ। जो पुख्ता हुआ
तो मैंने कहा नहीं आप ठीक है, हालांकि एक्टिंग किसी की बपौती नहीं है जी। मैं अपना लगा रहा रास्ता ढूंढते ढूंढते ढूंढते, फिर मुझे जब लास्ट में मिस्टर अलकाजी आए, एक तो दुबे जी के साथ मेरी क्लास हुई, पगला घोड़ा उनके साथ मैंने किया, फिर लास्ट में मिस्टर इब्राहिम अलकाजी, उनके साथ मैंने जूलियस सीजर, रक्त कल्याण, आपके हाउस ऑफ बर्नाडा अल्बा, इस तरह के बड़े बड़े नाटक किए। मैंने जोहरा सहगल के साथ भी ऑन स्टेज काम किया, मीडिया में काम किया। जोहरा जी जो आज कम से कम 101 साल की है जी, तो पृथ्वी थिएटर की एक्ट्रेस है, उनके साथ मैंने काम किया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ। और ये करते करते फिर वहीं दिल्ली में ही मुझे फिल्म मिली, लिटिल बुद्धा, बर्नार्डो बर्टोलुची की फिल्म थी, बड़ी फिल्म थी। कियानो रीव्स मेरा को एक्टर था, बड़ी फिल्म थी। फिल्म में काम करने के साथ साथ बड़े एक्टर, बड़े ऑस्कर विनर डायरेक्टर था, वो डायरेक्टर के साथ काम करने के साथ साथ मुझे पेमेंट जो थी डॉलर्स में मिली जी। जो डॉलर्स में मिली तो मैंने कहा कि चलो ये बहुत अच्छी बात है। उस टाइम खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा, ठिकाना नहीं बिल्कुल। और मैंने वो फिल्म की, लेकिन साथ ही साथ मेरा परिवार बहुत बड़ा है जी। हम 8 भाई बहन हैं, और मुझे जो पैसा मिला उसको मैंने ले जाके अपनी एक बहन की शादी कर दी, सारे पैसे खत्म। फिर पापा से मैंने 10,000 रुपये उधार लिया, मैंने कहा मुंबई जाऊंगा। फिर गया मुंबई, वहां पहुंचते ही एक फिल्म मिली, जया गंगा, वो फिल्म मैंने की, और उसमें जो पैसे मिले तो लाके अपने पिताजी को मैंने पैसा वापस किया। फिर थोड़ा सा गाड़ी चल निकली, गाड़ी चल निकली तो थिएटर करने की तो सोचता था, लेकिन वहाँ पे उतना बड़ा आधार बॉम्बे में नहीं है जो दिल्ली में है। दिल्ली में रह के आप रंगमंच कर सकते हैं जी, बॉम्बे में थोड़ा सा मुश्किल है। तो थिएटर थोड़ा सा पीछे रह गया, किया मैंने 2-3 नाटक किए, थिएटर पीछे रह गया। और फिर फिल्म, ये फिल्म चली तो फिर लिटिल बुद्धा थी ही, बैंडिट क्वीन आ गई, लगान, लज्जा, बवंडर, नायक, लव, यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ठाकुर सज्जन सिंह की रील लाइफ और रियल लाइफ जो है वो बिल्कुल अलग है। आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, नायक या फिर स्लमडॉग जो था उसको तो ऑस्कर भी दिया गया था, इसके साथ ही लज्जा में आपने काम किया, लगान में काम किया, कोई ऐसी फिल्म जो आप अपनी जिंदगी के अब तक के सफर में बिल्कुल नहीं भूले हों और उसका एक डायलॉग? फिल्म थी बैंडिट क्वीन, और मैं उसमें घनसा बाबा, क्योंकि उसमें जितने कैरेक्टर्स की कास्टिंग हुई थी सब ऐसे ऐसे एक्टर्स लिए गए जिनकी उनसे रिजेंबलेंस थी। शिखर कपूर ने ऐसे एक्टर्स लिए थे, तो मेरी भी उस जमाने में चंबल में बाबा घनश्याम जैसा डकैत हुआ करता था जी। तो मेरी शक्ल उससे मिलती थी, तो मुझे घनश्याम बाबा को उसमें रोल दिया गया जी। और मैंने उसको परफॉर्म किया तैयार करने के बाद। फिर उसमें मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि उसमें विक्रम मल्लाह का मैं गुरु बना हूँ, और वो जो है फूलन देवी के साथ लगा पड़ा है, और मैं उसको चैलेंज करता हूँ और वार्निंग देता हूँ। अरे विक्रम, ठाकुरन के लिए तुरी आंखन में रंजिश दिखाई देती है, जे गलती ना कर, ठाकुरन में अगर कुछ हो गया और तुम्हारे साथ कुछ किए तो मैं तुझको बचा ना पाऊंगो, ध्यान रखियो मोर। और मौड़ियन के सामने ये सब बात नहीं की जाती, ये मौड़ी को हटा फिर आगे हमसे बात कर ए विक्रम मल्ला। बहुत बढ़िया, ये था बहुत बढ़िया। इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, आपने इतनी सारी जो मूवी है उसमें काम किया, बॉलीवुड में भी काम किया, हॉलीवुड में भी काम किया, उसके बाद आपकी जो असली पहचान या घर घर में आप जाने जाते हैं ठाकुर सज्जन सिंह के नाम से, तो प्रतिज्ञा में आपको एक अलग पहचान मिली, एक अलग मुकाम मिला, तो प्रतिज्ञा सीरियल के बारे में भी कुछ दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, बताता हूँ कि मैं उस दौरान रामगोपाल वर्मा की रक्त चरित्र फिल्म कर रहा था,
और उससे पहले मेरा जी टीवी पे एक सीरियल आ चुका था, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो जी, और उसमें बल्ली का कैरेक्टर था, वो काफी हिट हुआ था। तो जी का वो था शो, फिर स्टार वालों ने मुझे उठाया, स्टार प्लस ने। लेकिन राइटर जो था, जो अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो जो लिख रहे थे, शांति भूषण, वो भी थिएटर के हैं, इलाहाबाद से हैं, उन्होंने मुझे कास्ट कराया मन की आवाज़ प्रतिज्ञा जी। अब ये कहा कि ये पूरे इलाहाबाद की स्टोरी है भाई, इलाहाबाद से अपना सबका, इलाहाबाद में रहा हूँ, इलाहाबाद में पढ़ा हूँ। तो अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो का तो थोड़ा सा अलग कैरेक्टर था, और ये पूरा इलाहाबादी तेवर का था। और ये जब कैरेक्टर मुझको मिला, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये घर घर की ठाकुर सज्जन सिंह पहचान बन जाएगा जी। और लोग उसके एक एक जेस्चर को बहुत पसंद करते थे, जैसे मैं बताता हूँ आपको। अरे बबुआ, तुमका सारे बता दिया ना कि अपने मन की ना किया कर, वो लड़की से जाए के तब ब्याह कर, बेसाले ठाकुर हो के हुआ लाला किए जाए के ब्याह करके मरे जूतन के अपने दिमाग सही कर देंगे बेहुदा। तो इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आते थे, बेहुदा आ गया जी, या ठकुराइन को मैं डांटता था, अरे ठकुराइनिया ए दिमाग सही रख, बीसन जूता भाई देंगे सही हो जाओगे, एक लात मारेंगे ना अब भाई सही हो जाओगे, इतना तुमको बता दिया ना, सीधे बैठ, चाय चाय कांव कांव बिल्कुल ना कियो, दिमाग ना खराब कियो, हम तुमको इतना बता दिए समझो को नहीं, शांति नहीं देती, शांति नहीं बनाए रखती ये घरे में, जब देखता परपंच 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 साला मंथरा हो जाती है, चुप रहो, नहीं तुमको बता दिया मुंह तुम्हारा ना ऐसे ऐसे कूच देंगे बस ठकुराई बस। तो ये इलाहाबाद की जो एक रीजनल फ्लेवर की भाषा है जी, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली उन्होंने शुरू की, अब वो होते 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 बनारस से इलाहाबाद पहुंची, बनारस में उल्टी गंगा बहती है जी, यहाँ तीन तीन नदियों का संगम है, जब यहां पहुंची तो इसका तेवर अलग हो गया। बनारस का था का गुरु गाल लाली मिलना नहीं ना, ये बनारस का तेवर था, और खड़ी बोली भारतेंदु हरिश्चंद्र वाली। लेकिन ये जब इधर आई संगम की तरफ भाषा, तो ये और लहरा के चलने लगी, और ये भाषा थी का तुमका बताए रहे ना, अब सुनबो कि ना सुनबो यार, अरे 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 मान जाओ यार, हमारी बात थोड़ा सा मान जाओ, तुमको बता रहे हैं यार, कायदे से माना करो, समझा करो भाई यार, बच्चन की तरह तुम जिद करते दाए। ये इधर भाषा, और ये भाषा इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि जो हिंदी भाषी भी नहीं है वो भी इस भाषा को बोलने की कोशिश करने लगे। इस भाषा का इतना असर हुआ, इस कैरेक्टर का इतना असर हुआ कि महाराष्ट्र में, मुंबई में उत्तर भारतीयों पे जो आक्रमण हुआ करते थे वो बंद हो गए, क्योंकि वो खुद ही ये भाषा बोलने के लिए आतुर हो गए। तो इसका मुझे ये मतलब श्रेय जाता है। सबसे सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि प्रतिज्ञा जो सीरियल था उसमें आपकी जो भूमिका थी एक विलन के तौर पर देखा जाता है, एक विलन के तौर पर थी, उसके बाद भी इतना आपको पसंद किया गया और खासतौर पर महिलाओं ने ही पसंद किया, और दूसरा आपका जो लुक था वो इसमें बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, मैंने दाढ़ी रख ली थी जी, और वो दाढ़ी और मूंछ आज भी है, ये सजती है। और क्या था कि उसमें एक आध दो सीन ऐसे आते थे जहां मैं ठकुराइन को लात से मारता हूँ, हालांकि ये बड़ा गलत था कि औरत के ऊपर हाथ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लात नहीं चलाना चाहिए, लेकिन न जाने कितनी महिलाएं खुश होकर हमको मिलती थीं और कहती थीं कि ठाकुर साहब जब ठकुराइन को आप जूते से या लात से मारते हैं तो बहुत मजा आता है। हमको लगता है कि शायद वो उस दौर से गुजर चुकी हैं जी, जो उनकी अपनी व्यथा होगी, लेकिन वो उसे लेके बहुत ही खुश होती थी।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कैरेक्टर कुछ भी हो, इसको मैंने थोड़ा सा लंगड़ा के चलता था, धोती कुर्ता पहनता था जी। धोती का एक टुकड़ा कुर्ते की जेब में होता था जी। लंगड़ा के चलता था, तो मैंने इसको इंडियन चार्ली चैपलिन बनाने की कोशिश की कि चार्ली चैपलिन में हर रंग है, उसी तरह ठाकुर सज्जन सिंह में हर रंग है। वो हंसाता है, रुलाता है, गरियाता है, गुस्सा भी होता है, क्रोधित होता है, और उसके बाद फिर मिलके प्यार से रहते हैं, क्योंकि पूरे घर में बवाल काट रखा है, पूरे घर में बवाल काट रखा है। हर कोई ठाकुर सज्जन सिंह से डरता है, परिवार का आदमी, लेकिन जब खाना खाना होता है तो पूरी फैमिली बैठ के, पूरा परिवार बैठ के डाइनिंग टेबल पे एक साथ खाता है, वो परिवार की यूनिटी है जी। प्रतिज्ञा के बारे में आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।